दोस्तों नमस्कार, जैतार न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आईबी खान है और आप मुझे इस समय मेरे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो तो मेरे जैतार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आज मैं नागौर की सरजमी पर मौजूद हूँ। नागौर में भी एक मारवाड़ मूंडवा अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन यानी SCF जिसकी उद्यमिता कौशल विकास संस्थान SEDI संस्थान है, पिछले 15 सालों से SEDI संस्थान है जो ग्रामीण विकास एवं बालक बालिकाओं के विकास उनके उत्थान के लिए यहाँ काम करती है। आसपास के लगभग दर्जनों गांवों के बालक बालिकाएं हैं जो इस SEDI के माध्यम से अपना भविष्य सुधार रहे हैं। ये लंबी कहानी है इस SEDI संस्थान नागौर की। तो आज हम चूंकि लंबे समय पहले हमने जैतार SEDI संस्थान का भी वीडियो बनाया था, चूंकि जो हुनरमंद है, जो बच्चे लोग युवा युवतियाँ हैं जो आगे जाना चाहते, ऐसे कौशल विकास उद्यमिता के माध्यम से आगे जाना चाहते, उनको देखने के लिए, उनके भविष्य को देखने के लिए, वो क्या बनना चाहते हैं, पहले क्या थे क्या नहीं थे, वो जानने के लिए आज हम नागौर की सरजमी पर है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस जो SEDI संस्थान नागौर है, बहुत से ऐसे बालक बालिकाएं हैं जिन्होंने यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ प्रशिक्षण लेकर आज न केवल नागौर का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि राजस्थान का भी नाम रोशन कर रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस जो नागौर की SEDI है, यहाँ से जो उपज निकली है आज वो फलीभूत हो रही है। तो आज हम यही जानने के लिए आज नागौर की SEDI संस्थान में मौजूद है। विभिन्न ट्रेड यहाँ चल रहे हैं और एक महत्वपूर्ण बात है कि इस जो SEDI संस्थान नागौर है, सबसे ज़्यादा बेस्ट अवार्ड है इस SEDI संस्थान नागौर को मिले हैं। आसपास के गांवों के जो बालक बालिका उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, चूंकि देहाती क्षेत्र है नागौर, हालांकि कहने में तो एक बड़ा जिला मुख्यालय है लेकिन इसके आसपास के जो इर्द गिर्द है, जो मारवाड़ मुंडवा जो अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन है उसके इर्द गिर्द जो गाँव है वो देहाती क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र के गाँव है। तो ऐसे क्षेत्र के युवा युवतियों को SEDI संस्थान जो प्रशिक्षण देती, किस दिशा में वो काम कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो उस दिशा में भी हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो फिर बताना चाहूँगा कि मैं इस समय नागौर SEDI संस्थान में मौजूद हूँ। तो अब आपको मैं आगे सीधा इस समय नागौर के SEDI संस्थान परिसर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये टेली की ट्रेनिंग है यानी खाता बही, देसी अंदाज में कहेंगे तो खाता बही, चूँकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, हर लेन देन कंप्यूटर में रखा जा सकता है। तो उसी को मध्य रखते हुए इस नागौर SEDI संस्थान में भी ये जो युवा युवती हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, टेली यानी खाता बही का प्रशिक्षण ले रहे हैं, SEDI संस्थान द्वारा इन
युवा युवतियों को किस तरह से प्रशिक्षण दिया। एक भाई साहब मौजूद है जिनका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र इनानिया है। हरेंद्र जी इनानिया, और मैं बिना कहे ये कह सकता हूँ इनाना गांव के आप? हाँ मैं इनाना, चूँकि कल मैं इनाना गांव जाके आया। अच्छी खासी तादाद है आपकी, क्या सीखते हो आप यहाँ? सर हम यहाँ टेली अकाउंट्स बेसिक कंप्यूटर के साथ इंग्लिश स्पोकन की भी क्लास लगती है। जो बच्चे हम इंग्लिश में कमज़ोर हैं उनको इंग्लिश सिखाया जाता है, और स्किल की भी लगती है, सॉफ्ट स्किल की, हमारा व्यवहार कैसा है, हर चीज़ हमें बताई जाती है यहाँ पे। पहले आप क्या करते थे? सर हम एजुकेशन कर रहे थे, हमने ग्रेजुएशन किया अभी। इस क्षेत्र में जाना चाहते हो आप? यस सर, मैं अकाउंटिंग में आगे जाना चाहता हूँ। गांव में और क्या करते हैं आपके समकक्ष जो बच्चे हैं, बालक बालिकाएँ हैं? सर कुछ बाहर पढ़ रहे हैं, कुछ यहीं हैं, गाँव में बैठे हैं। अच्छा लगता है आपको यहाँ आकर? यस सर, बहुत अच्छा लगता है मेरे। एक तो गांव में अलग अंदाज है और एक यहाँ का माहौल है, कुछ अंतर है? हाँ सर, बहुत चेंज है। यहाँ पे डिसिप्लिन है एकदम, पूरी हिंदी में बात होती है, हर चीज़ बताई जाती है, इंग्लिश स्पोकन सिखाई जाती है। गांव में ऐसे ही बैठे रहते तो क्या करते हैं? लगता है आपको कोई बड़े शहर में? हाँ सर, हम बाहर जाएंगे, नागौर में जॉब नहीं करेंगे, बाहर ही करेंगे कहीं। यह है एक शेडी की जो उपज जिसे कह सकते हैं, शेडी संस्थान में एक भाई साहब और है साहित्य, ये भी बीजी, इनका भी थोड़ा कीमती समय ले रहा। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम दिनेश केरीवाल है। क्या देखते हो आप यहाँ? यहाँ पे सर आप सीख रहे हो? यस सर, मैं यहाँ ट्रेनी हूँ। अच्छा ट्रेनी हूँ, कब आपने ज्वाइन किया है? सर लगभग डेढ़ महीना हो गया, मतलब बेंच स्टार्ट। क्या क्या सीख चुके हो अब तक आप? टेली में बेसिक एंट्रीज वगैरह सीख चुके हैं, जनरल एंट्रीज और कॉन्ट्रा रिसीट पेमेंट सेल्स एंड परचेज की एंट्रीज वगैरह सीख चुके हैं। पहले क्या करते थे आप? मैं पहले सर अभी मेरा 12th हुआ है, अभी BCA फर्स्ट ईयर में था और एग्जामिनेशन हो गया तो अभी फ्री टाइम था, तो फिर मैंने सोचा कोर्स भी कर लूं और साथ में मेरे को जॉब की भी ज़रूरत थी, तो फिर यह होता है एक हुनर सीखने का। ब्रेक के बाद फिर जेता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नागौर शेडी संस्थान में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे युवक एवं युवतियाँ हैं जो डेटा एंट्री करके कोई एक ट्रेड है, इस ट्रेड में अपनी प्रशिक्षण पा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों के है, ग्रामीण क्षेत्रों के भी है, कुछ शहरी क्षेत्रों के भी है। तो आजकल इस डेटा एंट्री का भी एक जो डिजिटल का दौर है, इस डिजिटल के दौर में ये आजकल आवश्यक हो गया है। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से इस शेडी संस्थान जो नागौर है, इस नागौर में इन बालक बालिकाओं को हुनर सिखाया जाता है। तलीनता के साथ ये बालक बालिकाएं हैं जो सुबह से शाम तक जो भी इनको समय दिया जाता है, एक निश्चित समय दिया जाता है, उस समय अवधि में यहाँ अपना प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और जिनसे भी मैं जानना चाहूँगा, हाँ बहन क्या नाम है आपका, क्या नाम है? माय नेम इज रियाना, आई एम फ्रॉम मारवाड़ मुंडवा। आप हिंदी में बोलोगे तो ठीक रहेगा, चूंकि मैं इंग्लिश जानता नहीं हूँ। बहन हिंदी में बोलोगे तो चूंकि दर्शक हिंदी में जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम रियाना, मैं मुंडवा से बिलोंग करती हूँ, मुंडवा से आती हूँ। क्या सीखते हो आप यहाँ? यहाँ पे डाटा एंट्री के बारे में बताते हैं, ऑफिस से रिलेटेड जो वर्क होता है। यहाँ पे भी डेमो क्लासेस चल रही है, जो शादी 3-4 दिन हुए हैं, हमें यहाँ पे टाइपिंग स्पीड टाइपिंग सिखा रहे हैं, और जो डाटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें बताइए। कैसा अनुभव हो रहा इस शेडी में आने के बाद आपको? सर जैसे स्कूल के बाद और कॉलेज के बाद हमने यहाँ के ये अनुभव किया कि हम यहाँ से कुछ सीख सकते हैं और यहाँ से कुछ हमारा करियर बन सकता है यहाँ से। एक तो आप घर में थे और एक यहाँ अब एक अनुशासन में हो, उसमें भी तो फर्क है। यस सर श्योर, यहाँ पे बहुत अनुशासन है और हमें अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे वेल ग्रूम, मतलब अच्छे दिखते हैं। यहाँ पे ग्रूमिंग के बारे में बहुत डिसिप्लिन है। ये हुई ना कुछ बात इस शेडी संस्थान की, जो हुनर है वो आपको देखने को मिला, मात्र महज 3 या 4 दिन ही इस बहन को हुए। ऐसे बहुत सारे हैं सामने जिनको अभी दाखिला ही हुआ, लेकिन यहाँ दाखिला लेने के बाद इनकी दशा में क्या परिवर्तन आया वो आप इनके चेहरे के भाव से ही आप सहज अंदाजा लगा सकते हो। तो बहरहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जल्द ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। नागौर शेडी संस्थान में मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, दरअसल ये सौंदर्य प्रसाधन ट्रेड है जिसे ब्यूटी पार्लर भी कह सकते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शेडी संस्थान किस तरह से काम कर रही है, तो आप तस्वीरें देख कर ही सहज अंदाजा लगा सकते हो कि इस आधुनिकता के इस दौर में महिलाओं को किस तरह से तैयार किया जाता है, किस तरह से उनके
हेयर कटिंग है या अलग अलग है जिनकी भाषा में मैं परिभाषित नहीं कर सकता, तो आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे एक कोई किसी महानगर की तर्ज पर इस नागौर में जो शेडी संस्था है उस रूप में आप काम कर रही है। अलग अलग ट्रेड है आप देख पा रहेंगे, हेयर कटिंग भी है तो या मेकअप का भी है और पीछे नेल आर्ट भी है और मेहंदी का भी है, बहुत सारे है। महिलाओं का ये हुनर है, दरअसल ये महिलाओं का हुनर है और इस दिशा में शेडी संस्थान पिछले लंबे समय से इस नागौर एवं नागौर के आसपास देहाती क्षेत्र है, इस देहाती क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बहन मौजूद हूँ। इनसे भी हम जानना चाहेंगे, इनका भी कीमती समय हम ले रहे हैं। हाँ बहन, क्या नाम है आपका? चेतना वैष्णव। चेतना जी वैष्णव आपका नाम है, क्या सिखाते हो और क्या कर रहे हो आप? मैं यहाँ ब्यूटी पार्लर कोर्स। कहाँ से हो आप? मैं डीडिया से हूँ, डीडिया खुर्द। अच्छा, ग्रामीण परिवार से हो, अच्छा लगता है आपको यहाँ आकर? हाँ अच्छा लगता है। कितने समय हो गए आपको यहाँ? मुझे अभी 26 अगस्त आ रही हूँ। 26 अगस्त से, यानी कि ज़्यादा कोई लंबे समय भी नहीं हुआ और इस समय कम समय की अवधि में भी आप दक्षता हासिल कर जैसा आप अब कर रहे। हालांकि मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये महिलाओं का मामला, तो आप कुछ उनको सीख पाए? हाँ सीख पाए, मुझे भी आईब्रो आता है, वैक्सिंग आती है, मैनीक्योर पेडीक्योर आता है। आगे भी अपने घर तक ही रहना चाहोगे यार और आगे निकलना चाहोगे, कहीं अपना ब्यूटी पार्लर का है वो लगाना चाहोगे? हाँ लगाना चाहूँगा। मेरे साथ एक बहन और मौजूद है जो ब्यूटी पार्लर से ताल्लुक रखती है। हाँ बहन, नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मानसी शर्मा। मानसी जी शर्मा आपका नाम है, क्या देखते हो और क्या सीखा हो और क्या सिखा रहे हो आप? सर हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसे ये एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें इंग्लिश स्पोकन की क्लास है, व्यवहार कौशल के बारे में बताया जाता है, उसके साथ साथ हमारे और भी एक्टिविटी होती रहती है। पहले आप क्या करते थे यहाँ शेडी आने से पहले? शेडी आने से पहले मैं घर पर ही, हमारे एक शॉप है वहीं बैठ काम करती थी मैं। भविष्य में लगता है आपको संभावना है इस ब्यूटी पार्लर में? एक बहन और है जो मारवाड़ की एक खास खासियत है मेहंदी, जो हर उस शादी विवाह में एक कार्य के लिए काम आती है, महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, और इस मेहंदी की चमक तो सात समुंदर पार भी है, लेकिन शेडी संस्था इस दिशा में भी पीछे नहीं है। महिलाओं को मेहंदी की आर्ट किस तरह से सिखाई जाती है तो आप देख पा रहे। हाँ बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया जी क्या कर रहे हो आप? मेहंदी बना रही हूँ। मेहंदी क्या क्या आता है आपको मेहंदी बनाने में? अलग अलग कला ऐसा कहा जाता है मेरे को, मेकअप आर्टिस्ट का भी आता है, मेहंदी वगैरह सब। नहीं मेहंदी में भी तो अलग अलग चित्रकारी होती है। हाँ आती है सब। तो अभी आप सीख रही हो? हाँ सीख रही हूँ। मेहंदी के बारे में बहुत संभावना है, बहुत डिमांड रहती है, खास तौर से शादी विवाह के समय में मेहंदी लगाने की एक रस्म होती है, उसमें भी बहुत सारी संभावना रहती है, आप देख पा रहे होंगे। अलग अलग ट्रेड है, अलग अलग, चूंकि फैशन का ये दौर है और इस फैशन के इस दौर में हर एक कोई सुंदर दिखना चाहता है, हालांकि भगवान की जो कुदरत की जो देन है वो अलग है, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में जैसा चलता है उस तरीके से भी चल रहे हैं। तो बहरहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जेतर न्यूज में आपका स्वागत है। नागौर शेडी संस्थान में मैं मौजूद हूँ और टेली का एक ये ट्रेनिंग सेंटर है, व्यवहार कौशल करके एक ट्रेड है, दैनिक जीवन में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, आने वाले से किस तरह से बात करनी चाहिए या किस तरह से एक जिम्मेवार नागरिक बनना चाहिए, जिम्मेवार व्यक्ति बनना चाहिए, तो ये तमाम तरह की जो कौशल है वो यहाँ सिखाया जाता है इस शेडी संस्थान में। मेरे पीछे बहुत सारे युवा युवतियाँ हैं जो ख़ास तौर से इस नागौर के ग्रामीण परिवेश है और आपके इनके हाव भाव से भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई ग्रामीण या देहाती क्षेत्र का नहीं है, लेकिन आप सही देख रहे हो, ये ग्रामीण देहाती बालक है या युवक युवतियाँ है जो इस शेडी में आने के बाद इनके चेहरे पर भी निखार आया तो इनके व्यवहार में भी निखार आया, ये अलग बात है, ये व्यवहारिकता कहाँ तक रखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि व्यवहार रखने से और उन्नति होती है। तो बहरहाल हम बात करने का भी प्रयास करेंगे यहाँ। हाँ भाई साहब,
क्या नाम है भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम आमिर खान है। आमिर खान, क्या बात है, खान से खान मिले, कोई बात नहीं, इत्तेफाक है, मैं कोई आपको जानता नहीं हूँ। क्या सीखने आए हो आप यहाँ? यहाँ पे हमें सॉफ्ट स्किल हमारे व्यवहार के बारे में सीखने को मिलता है। किस तरह से कैसा व्यवहार रखना चाहिए? बिहेव, अभी तो हमारा टॉपिक चल रहा है वो सिकंदर है, जिसमें हमें इंटरव्यू में कैसे फेस करना है। उसमें हमें तीन प्रकार से होता है, वर्बल, वोकल और विजुअल, उसके बारे में बताया जाता है। कुछ परिवर्तन आया? हाँ, परिवर्तन आया है हमारे बोलने के तरीके में, उठना बैठना, कैसे हम बड़ों से बात करें उसके बारे में, हमारी बॉडी लैंग्वेज के बारे कैसे व्यवहार करते हैं। हाँ बहन, क्या नाम आपका? अनीता। अनीता जी, आप कहाँ से हो? नागौर से। नागौर से, कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? बीए सेकंड ईयर चल रहा है अभी। बीए, क्या सीखना है आप? यहाँ टेली सीखना है और यहाँ सॉफ्ट स्किल की क्लास चल रही है। कुछ परिवर्तन लगा आपको यहाँ? हाँ, हमें मतलब किसी के साथ कैसे बैठना, अगर हमें कहीं नौकरी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे कैसे बात करनी, कुछ भी, वो सब कुछ यहीं सिखाते व्यवहार कौशल में। कितने समय हो गए आपको यहाँ आते हुए? एक महीने। ब्रेक के बाद फिर जेतर न्यूज में आपका स्वागत है। बताना चाहूँगा कि मैं नागौर सेडी संस्थान में मौजूद हूँ और मैं सेल्स एवं मार्केट ट्रेड में मौजूद हूँ। मेरे साथ रवि जी भाई साहब भी है जो इस ट्रेड में आप जिम्मेवारी देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे अनुशासन के साथ ये ग्रामीण परिवेश के युवा युवतियाँ हैं जो सेल्स मार्केटिंग का हुनर सीखेंगे, आने वाले समय में बहुत ऊपर पायदान तक ये जाएंगे। तो अलग अलग है यहाँ, मेरे साथ एक भाई साहब है, यहाँ नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है भाई साहब? आप आराम से तसल्ली से, क्या नाम है? मेरा नाम अशोक है, मैं सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग कदम बोल रहा हूँ और मैं नागौर ज़िले से आया हूँ पिछले दो दिन। नहीं, नागौर ज़िला बहुत लंबा चौड़ा, गाँव कौन सा है? नागौर ज़िले में छोटा सा गाँव भेड़ है और मैं यहाँ आया था सेल्स मार्केटिंग के लिए और मैं अपना कैरियर इसके अंदर बनाना चाहता हूँ। मैं अपना बारहवीं कक्षा क्यों सर रौनक स्कूल से की थी और फिर मैंने हमारी मिर्दा कॉलेज नागौर के अंदर वहाँ से मैंने फाइनल की पूरी कर ली है। कुछ दो दिनों में परिवर्तन देखने को मिला? और मैं पिछले दो दिन से आ रहा हूँ, मैं यहाँ आकर ऐसा लगा है कि मैं अपना कैरियर इसके अंदर बना लूँगा और मुझे यहाँ मेरे दोस्त ने बताया कि नागौर के अंदर अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन में बहुत अच्छे हैं और आपको अपना मौका बना सकते हो और जाकर अपना कैरियर। हाँ, क्या नाम है? आराम से आराम से। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुनील है। कहाँ से ताल्लुक रखते हो, कौन सा गांव है? मेरा गांव है खेरवाड़। ये कहाँ आता? ये नागौर ज़िले में आता। नागौर ज़िले में आते, क्या सीखना चाहते हो आप? मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स कर रहा हूँ, वो उसका कोर्स मैं सीख रहा हूँ। कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? मैंने 12th पास की है। 12वीं जी से 12वीं कहते हैं? 12वीं पास की। अच्छा लगा यहाँ कर? अच्छा लगा, मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंस का कोर्स किया जाता है अंबुजा फाउंडेशन कंपनी के द्वारा सिडी में, तो मैंने सोचा जाके मैं चेक करूँ, तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने दो दिनों में ये एहसास किया कि मेरा कैरियर बन सकता है। कैरियर बन सकता है और निष्ठा के साथ आओगे तो और अच्छा कैरियर बनेगा। हाँ, निष्ठा से रेगुलर आऊँगा तो। हाँ, ये रेगुलरिटी जरूरी है, मौज मस्ती के लिए ये बात नहीं है। फिर जेतर न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ महानगरों में ऐसी जगह आपको देखने को मिलती है। मैं किसी बड़े होटल हरिताज में नहीं हूँ या उम्मेद भवन में नहीं हूँ, मैं हूँ इस समय नागौर के सेडी संस्थान में। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं हूँ नागौर के सेडी संस्थान में जहाँ होटल मैनेजमेंट, होटल रेस्टोरेंट का प्रशिक्षण दिया जाता। 5-स्टार होटल की तर्ज पर आप देख पा रहे होंगे किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से इनको सिखाया जाता, तो आप देख सकते हो। या अलग अलग जो 5-स्टार होटल है, 7-स्टार है, जो लग्जरी होटल है, उनकी तर्ज पर यहाँ माकूल इंतजाम है। ऐसी दक्षता यहाँ इस सेडी संस्थान में दी जाती है, ऐसा मास्टर ट्रेनर है वो इनको सिखाते हैं। तो बहरहाल आप इस समय नागौर के सेडी संस्थान में हो, लग नहीं रहा है कि हम किसी प्रशिक्षण संस्थान में या सेडी संस्थान में या किसी बियर बार में, हालांकि ये बियर बार नहीं है, एक डेमो के रूप में, लेकिन 5-स्टार होटलों में बियर बार कैसे होती है, किस तरह से जो मदिरा है या शराब कह सकते हैं, बियर कह सकते हैं, शैंपेन कह सकते हैं, जो अलग अलग नाम है वो किस तरह से परोसी जाती है, तो वो
आपको देखने को मिलती है। एक बड़े होटल में किस तरह से लोग बैठते हैं, किस तरह से लोग जो ग्राहक आते हैं जो खाने के लिए आते हैं उनके आओ अदर आओ भगत किस तरह से की जाती है वो भी इस यहाँ सिखाया जाता है, तो आप देख सकते हो। और होटल में बड़े होटल्स में जब प्रवेश लिया जाता है उस प्रवेश के दौरान रिसेप्शन एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ वो व्यवस्था भी है। लग नहीं रहा है कि हम कहीं कोई सेडी संस्थान में है या नागौर में है या कहीं जैतारण में, लग रहा है कोई होटल हरिताज में है या बॉम्बे होटल में है, वो नज़र है इस सेडी संस्थान नागौर में है जिन युवा युवती को प्रशिक्षण दिलाया जाता। भाई साहब ये खड़े है जो आगंतुक जो होते हैं जो ग्राहक आते हैं उनकी अगवानी किस तरह से की जाती वो नज़रिया भी आप देख पा रहे होंगे, तो बहरहाल आप देख पा रहे हो शानदार माकुल इंतजाम है। लग रहा है कि भाई साहब अब जिमने के लिए तैयार है, फाइव स्टार व्यवस्था जितनी एक तामझाम होना चाहिए फाइव स्टार होटल में होना चाहिए या बड़े होटल में होना चाहिए वो तमाम तरह के ऐसे युवाओं को तैयार करते हैं यहाँ, तो बहरहाल कुछ युवा है इनसे भी हम बात करना चाहेंगे, तो हम चलते हैं। एक बीयर बार है इस होटल सेडी संस्थान की, भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश सेन है। रुपेश सेन, क्या सीख रहे हो आप? हम ये बार की ट्रेनिंग कर रहे हैं। बार की ट्रेनिंग कर रहे हैं, हालांकि एक ये डेमो है, ओरिजिनल नहीं है, जिसे कह सकते हैं ओरिजिनल नहीं है। एक भाई एहसान और है इस होटल परिसर में जो ट्रेनर भी है प्रशिक्षित है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा मेरे नज़दीक है। क्या नाम है आपका? मैंने तो एहसान कह दिया यूँ ही। मेरा नाम एहसान खींच। क्या क्या सीखते हो आप यहाँ? मैं होटल के बारे में फूड एंड बेवरेज का कोर्स करने के लिए आया हूँ ताल छापर से। कितना समय हो गया आपको? मेरे को अभी भी डेढ़ महीना हो चुका है। एक डेढ़ माह में आपने क्या सीखा यहाँ? यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं उसकी सर्विस करना, उसको कैसे किस पानी किस साइड से जलाना और जो भी है सारे का नाम वगैरह याद, गिलास के हर नाम, बार का भी है, रिसेप्शन का भी है, कोई गेस्ट आते हैं तो उनके एंट्री करने का सारा सिस्टम सिखाते हैं। एक भाई साहब और खड़े हैं, क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम दिलशाद है। दिल कहाँ से हो आप? लाडनू से हूँ मैं। लाडनू सुजानगढ़, सही, लाडनू सुजान बहुत दूर है यहाँ से? 100 किलोमीटर है सर। क्या सीख लिया आपने यहाँ? यहाँ सर हमारे यहाँ फूड एंड बेवरेज का कोर्स चल रहा है FMB का, जो हम यहाँ होटल मैनेजमेंट का कोर्स सीखने के लिए आते हैं। मुझे आते हुए यहाँ 1.5 महीने हो गए। आगे क्या है, किस ग्रुप में जाने का विचार है? हिंदुस्तान में दुनिया भर में बड़ी बड़ी होटल्स है, बहुत सी होटल है, होटल्स में जाने का विचार है, जैसे ताज वगैरह हो गई। वो आप सीखोगे तब पहुँच पाओगे? सीख ही रहे हैं ना सर आप, ये हुई है। तो आप सामने भी नाम देख सकते हो, अच्छे अच्छे जो नामी होटल्स है इस हिंदुस्तान के जो नामी होटल, उन होटलों के भी वो नाम अंकित है। ऐसा लग रहा है, ऐसा वो फील हो रहा है कि हम किसी एक फाइव स्टार होटल में, जैसे मैंने पहले ही बताया कि होटल ललित में खड़े या ट्रेडेड में खड़े है, द फैन में खड़े है, बहुत सारे ऐसे होटल्स के नाम है। और बात सजावट की बताना चाहूँगा तो ऐसा लग रहा है जो ये सामने आप तस्वीरें देख रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, जो टेबल पे होता है वो दीवारों पर है, जो टेबल पे होता है वो अक्सरतः दीवारों पे भी वो के वो है। इस तरह से एक जो बड़ा होटल होता है, जो बड़े होटल्स या रेस्टो होते हैं उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं होती है। तो बहरहाल मैं इस समय बताना चाहूँगा कि सेडी संस्थान में और